हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की और हम लर्न करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक ट्रिक के साथ। आइए देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। देखिए, हमारे पास दो तरह के लिगेंड्स होते हैं। कुछ लिगेंड्स को बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब क्वेश्चन आता है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा तो नहीं, कोई भारी भरकम लिगेंड है तो इसको स्ट्रांग बोलते हैं, थोड़ा कोई कमजोर सा आ रहा है तो उसको वीक बोलते हैं, ऐसा तो हमें दिखेगा नहीं। तो एक हमने एक सीरीज बनाई, उस सीरीज में हमने लिगेंड्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ में, ठीक है ना। तो उस सीरीज से हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है। उसी सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इट इज अ सीरीज व्हिच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द वीक लिगेंड एंड स्ट्रांग लिगेंड, है ना। ये हमें पता करने में मदद करेगी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। आइए देखते हैं जरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, तो द सीरीज व्हिच कंसिस्ट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने लिगेंड्स को अरेंज किया है उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में, मतलब जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ सबसे कम है वो सबसे पहले सीरीज में आएगा और जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है वो सीरीज के सबसे एंड में आएगा, ठीक है। और इसी बेसिस पे हमने वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड को क्लासिफाई किया है। तो जो भी लिगेंड्स H2O तक होंगे उन सारों को हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड्स। तो वीक फील्ड लिगेंड कौन होंगे? जो H2O से पहले पहले तक होंगे। तो क्वेश्चन आता है कि सर H2O क्या होगा? ये जो H2O है जिसको हम जब हम नेमिंग करते हैं तो एक्वा बोलते हैं, तो इसको हम वीक फील्ड माने कि स्ट्रांग माने? तो H2O को भी आप वीक फील्ड लिगेंड ही मानेंगे। तो H2O से पहले और H2O को मिला के जितने भी लिगेंड्स आएंगे वो सारे वीक फील्ड लिगेंड में काउंट होंगे। और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या है? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर H2O के बाद जितने भी लिगेंड्स होंगे उनको हम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड बोलेंगे। चलिए बढ़िया है, तो हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ गई जिसमें लिगेंड्स हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं, उसके बेसिस पे हमने वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड बता दिए। अब आते हैं मेन बात, सीरीज को याद कैसे करना है। दिस इज द सीरीज जिसको बहुत सारे लोग याद करने में डरते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है। पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखें जरा ध्यान से, आई माइनस जिसको हम आयोडो बोलते हैं नेमिंग के अंदर, बी आर माइनस ब्रोमो बोलेंगे, एस सी एन माइनस, ठीक है, फिर सी एल माइनस, एस माइनस टू, ओ एच माइनस टू, सी टू ओ फोर, एच टू ओ। ये देखिए ध्यान से, एच टू ओ यानी एक्वा तक ये जितने भी लिगेंड्स अभी काउंट हुए हैं ये सारे क्या है? वीक है। लेकिन H2O के जस्ट बाद NCS माइनस, यहां से स्ट्रांग शुरू हो गया। तो NCS माइनस, EDTA, NH3, EN, CN माइनस और ये CO कार्बोनिल, ये सारे क्या है? स्ट्रांग लिगेंट है। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब क्या है? इस सीरीज के हिसाब से I माइनस सबसे वीकेस्ट लिगेंट हो गया और CO यानी कार्बोनिल सबसे स्ट्रांगेस्ट हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये भी है, अगर आप ध्यान से देखें तो SCN माइनस यहां पर यह लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है NCS माइनस। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट ये जो है एम्बीडेंडेंट लिगेंट है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर सल्फर से बॉन्ड बनेगा, अगर सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, देन ये जो है SCN है ये हमारा वीक लिगेंट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा तो वो स्ट्रांग लिगेंट की तरह काम करेगा। इसको जरा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है, तो इसके लिए एक निमोनिक्स बनाया हुआ है जो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। आइए पढ़ते हैं जरा और उसको समझते हैं। I brought some colorful sweet from office containing water. Nancy eat 9 in canteen corridor. देखते हैं इसको रिलेट करते हैं। देखिए I यानी कि I माइनस, brought यानी कि BR माइनस, सम यानी कि SCN माइनस, कलरफुल यानी कि CL माइनस, स्वीट्स यानी कि S माइनस 2, फ्रॉम से कुछ नहीं है, ऑफिस, ऑफिस यानी OH माइनस, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, ऑफिस कंटेनिंग, तो कंटेनिंग के C से हमने ले लिया ये C2O4 2 माइनस जिसको अपन ऑक्सलेटो बोलते हैं, ठीक है, तो C2O4 2 माइनस कंटेनिंग से आ गया। उसके बाद क्या लिखा है? वाटर, तो वाटर तो सबको पता है H2O होता है, बढ़िया। नैन्सी, तो नैन्सी का N से क्या आया? NCS, नैन्सी या NCS, ठीक है। ईट, ईट से क्या आया आपका? EDTA, ठीक है। EDTA पे चार्ज कितना होता है? EDTA पे चार्ज माइनस 4, ठीक है। आइए नाइन, नाइन क्या है? यहां से NH3 से 9 ले लिया। और इन, इनको हम यहां पे EN से लिखेंगे, IN होता है लेकिन यहां पे हम EN से करेंगे कंसीडर। CN माइनस को हम किससे लिखेंगे?
ये सी से लिखा है और ये कॉरिडोर को कार्बोनिल से डिनोट किया जाएगा। तो ये आप याद रख लें, आई ब्रॉट सम कलरफुल स्वीट फ्रॉम ऑफिस कंटेनिंग वाटर 989 इन कैंटीन कॉरिडोर। ओके, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।